So good morning friends, welcome to PD Classes. Today a very important session for all those who want to make their career in data entry operator. दोस्तों हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो RGSA डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब्स के लिए जा रहे हैं. उम्मीद है हमारे बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ये जो इंटरव्यू सेशन है बहुत बेनिफिट देगा. उम्मीद है दोस्तों हमने आपको अपने दोनों चैनल्स पर पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आपको स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट बॉडी लैंग्वेज रिलेटेड वीडियोस दे रखे हैं. उम्मीद है आप हमारे सारी वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे हैं. तो चलिए काजल मैं आपको वेलकम करता हूं. और काजल सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि डेटा एंट्री से आप क्या समझते हैं. सर डेटा एंट्री में कंप्यूटर पर डेटा कलेक्ट किया जाता है एंड हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में डेटा को कन्वर्ट किया जाता है और टाइपिस्ट के द्वारा सॉफ्टवेयर पर डेटा को स्टोर किया जाता है. इसी को डेटा एंट्री कहते हैं. बिल्कुल. डेटा एंट्री ऑपरेटर का वर्क क्या होता है ये बताइए मुझे. सर डेटा एंट्री का वर्क एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, नोटपैड जैसे सॉफ्टवेयर पर वर्क करता है और कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा को उनकी वेबसाइट पर डेटा एंट्री करते हैं. ओके अब आप मुझे ये बताइए कि डेटा एंट्री होती कितनी प्रकार की है ये बताइए. सर डेटा एंट्री कई प्रकार की होती हैं जैसे कैप्शनिंग डेटा एंट्री एंड ऑनलाइन सर्वे एंड स्पेलिंग चेकर. ओके एक्सेल डेटा एंट्री और कंटेंट राइटिंग. बिल्कुल पेपर डॉक्यूमेंटेशन है. yes, जो पोस्टिंग और कॉपी पेस्ट डेटा एंट्री भी होती है और डेटा कन्वर्जन भी डेटा एंट्री का ही एक प्रकार है. अब मुझे ये बताइए कि डेटा एंट्री का काम कैसे शुरू कर सकते हैं. सर डेटा एंट्री का वर्क हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं. सर ऑनलाइन वर्क करने के लिए कई प्लेटफॉर्म हैं जैसे फाइबर, फ्रीलांसर्स, इन पे हम ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं. जो डेटा एंट्री का काम हमें इजीली मिल जाता है. यस सर. व्हाट अबाउट ऑफलाइन. ऑफलाइन के लिए वर्क करने के लिए सर हम डेटा एंट्री का वर्क सीख के किसी भी कंपनी में वर्क कर सकते हैं. ओके अब मुझे आप ये बताइए कि कंटेंट राइटिंग के बारे में आप क्या समझते हैं. सर इसमें कंपनियां या तो प्रोडक्ट बनाती हैं या फिर सर्विसेज देती हैं. इनका रिव्यू करने के लिए कंटेंट राइटिंग का उपयोग किया जाता है. ओके और किसी विषय पर जानकारी के लिए कंटेंट राइटिंग बहुत लिखवाई जाती है और आजकल ये बहुत प्रचलित है. यस सर. चलिए अब आप मुझे ये बताइए कि आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने जा रहे हैं तो व्हाट इज द रीजन आपने यही फील्ड क्यों चुना. सर क्योंकि मेरी जो टाइपिंग स्पीड है वो बहुत अच्छी है, 50 से 60 वर्ड पर मिनट है. सर मेरा एक्यूरेसी लेवल भी बहुत अच्छा है और मैं गलतियां बहुत कम करती हूँ और मेरी तीन लैंग्वेजेस पे कमांड है, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी. और सर मेरा कंप्यूटर मेरी हॉबी रही है. ओके चलिए अब आप मुझे ये बताइए कि एमएस एक्सेल में कितने सेल होते हैं. सर एमएस एक्सेल में अराउंड 1,48,576 सेल होते हैं. ओके नई एक्सेल फाइल बनाते समय डिफॉल्ट रूप से कितनी सीटें होती है. सर इसमें 3 वर्कशीट होती हैं, हालांकि इसमें आप वर्क करते समय 255 सीट तक इंसर्ट कर सकते हैं. ओके और एक्सेल के 5 सामान्य या जितने आप बता सके उतने उपयोग बताइए. सर एक्सेल के बहुत उपयोग होते हैं जैसे डेटा भंडारण, डेटा विजुअलाइजेशन और डेटा विश्लेषण और पूर्वानुमान. ओके इसके अंदर डेटा भंडारण और डेटा लेखागन और बजट डेटा विश्लेषण भी एक उपयोग आता है स्पेशल. काजल आप मुझे ये बताइए कि एमएस एक्सेल की 2 मैक्रो भाषाओं के बारे में बताइए कौन कौन सी है. सर XLM एंड VBA. ओके VBA की फुल फॉर्म आपको पता है. यस सर. बताइए. विजुअल बेसिक एप्लीकेशन. ओके एक्सेल में IF फंक्शन क्या होता है. सर IF फंक्शन का प्रयोग लॉजिक टेस्ट करने के लिए किया जाता है. सर ये जांच करता है कुछ शर्तें सही हैं या गलत हैं. ओके और पाइवोट टेबल से आप क्या समझते हैं. पाइवोट टेबल के द्वारा हम बड़े डेटा को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके अब आप मुझे ये बताइए कि RGSA इसकी फुल फॉर्म क्या है. सर इसकी फुल फॉर्म राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान और सर ये 24 अप्रैल 2018 को लागू हुआ था. ओके और इसे लॉन्च किसने किया था. सर मिनिस्ट्री पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. ओके और इसका उद्देश्य बताइए. सर इसका उद्देश्य यह है रहा कि सबका साथ, सबका गांव और सबका विकास करना. okay. और गरीबों को सरकारी योजनाओं से बेनिफिट दिलाना. ओके okay. ग्राम स्वराज किसने इंट्रोड्यूस किया था. सर श्री महात्मा गांधी जी ने. और ग्राम स्वराज के कुछ प्रिंसिपल्स जानते हैं आप. यस सर. बताइए. सर स्वदेशी, इक्वालिटी और नई तालीम. ओके okay. और बताना चाहूंगा मैं यहाँ पर सेल्फ सफिशियंसी, डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रस्टशिप और जो आपने बताया वो भी बिल्कुल सही है, स्वदेशी और फुल एम्प्लॉयमेंट. ये कुछ प्रिंसिपल्स है ग्राम स्वराज के. और यहाँ पर जितने भी मेरे स्टूडेंट्स डेटा एंट्री के लिए जा रहे हैं ऑब्वियस है इंटरव्यू रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो काजल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर हमारे पास और भी बहुत से स्टूडेंट्स आए हुए तो हम आपको ही क्यों सिलेक्ट करें. सर सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगी कि आपने मुझे ये अवसर दिया. और सर मैं बताना चाहूंगी कि जो भी मेरी तरह बाहर खड़े हैं मैं उनसे खुद को कंपेयर तो नहीं कर सकती पर मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, पंचुअल हूँ, ऑनेस्ट हूँ. तो मुझे अपना स्ट्रेंथ दिखाने के लिए एक चांस दीजिए.
ओके और आपने बताया कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितने वर्ड्स कितने लैंग्वेजेस पर है? सर तीन लैंग्वेजेस पे हैं, हिंदी इंग्लिश और पंजाबी। ओके अब आप मुझे ये बताइए कि अगर हम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो ऑब्वियस है कि आपका जो जॉब प्रोफाइल होगा उसके लिए आपको अपना शहर छोड़ना होगा, तो आप बाहर एडजस्ट कर लेंगे? यस सर, मैं इजीली एडजस्ट कर सकती हूँ क्योंकि मेरे अंदर कोई होम सिकनेस नहीं है और मेरे लिए कश्मीर टू कन्याकुमारी सेम है। ओके सैलरी एक्सपेक्टेशंस आपको क्या चाहिए? सर मेरे लिए सैलरी इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ग्रोथ इम्पोर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर अच्छा वर्क करूंगी तो मेरे लिए ग्रोथ होगी। ओके काजल मुझे ये बताइए कि हेड ऑफ ग्राम पंचायत किसे कहा जाता है? सर सरपंच को। ओके और आप अकेले काम करना पसंद करेंगे या टीम में? सर मैं वैसे ज़्यादा प्रेफरेंस टीम को देती हूँ पर अगर मुझे अकेले काम करना पड़ा तो मैं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी है। काजल आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में बताइए। सर मेरी स्ट्रेंथ्स हैं कि मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, पंचुअल हूँ, ऑनेस्ट हूँ। और सर मेरी वीकनेस है कि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है और उन्हें मैं इम्प्रूव करने के लिए आजकल इंग्लिश बुक्स भी पढ़ रही हूँ और पीडी क्लासेस की जो बुक हैं वो भी पढ़ रही हूँ। व्हाट टाइप ऑफ पीपल यू लाइक टू वर्क विद? किस तरीके के लोगों के साथ आपको काम करना अच्छा लगता है? सर जो ईमानदार हों, पंचुअल हों, मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करना बहुत पसंद है। ओके चलिए अब मैं अपने स्टूडेंट्स व्यूअर से बात करना चाहूँगा और उन्हें डिस्कस करना चाहूँगा और थैंक्स देना चाहूँगा जो लास्ट तक हमारे वीडियोस देखते हैं दोस्तों, उनको मैं लास्ट में एक टिप जरूर देता हूँ और कोशिश करता हूँ अपने हर वीडियो में मैं उनको एक टिप दूँ। देखिए दोस्तों आज की जो टिप है वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। मैंने काजल से बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट अप किया कि किस तरीके के लोगों के साथ आपको वर्क करना आपको चलना पसंद है, व्हाट टाइप ऑफ पीपल यू लाइक टू वर्क विद। अब इस क्वेश्चन का आंसर काजल ने बिल्कुल एक्यूरेट दिया होगा आपके हिसाब से। अब इस क्वेश्चन में अगर आप मुझे कहें कि सर बेस्ट आंसर क्या रहेगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जब आपको बोला जाए कि आप किस तरीके के लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं तो आपका जो फर्ज है आपका जो आंसर है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू स्पेशली, देखिए अगर आप पंक्चुअल ऑनेस्ट लोगों को पसंद करते हैं तो वो गलत नहीं है, बट इंटरव्यू के समय में आपका काम है इस आंसर को थोड़ा डिप्लोमेटिक होकर देना। तो आप कह सकते हैं सर आई लाइक टू वर्क विद एवरी टाइप ऑफ पर्सनालिटी बिकॉज आई एम वर्सेटाइल सर एंड एडजस्टेबल, क्योंकि देखो कार्य के दौरान आपको अच्छे बुरे सब तरीके के लोग मिलेंगे, उस दौरान आपको एडजस्टेबल होना खुद को जरूरी है। हो सकता है आपके सीनियर्स थोड़े अलग नेचर के हो सकता है आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं वो थोड़े अलग नेचर के हो, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको सारी दुनिया में हर आदमी पंक्चुअल भी मिले, ऑनेस्ट भी मिले और वही स्ट्रेंथ्स मिले जो आपके अंदर है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर ज्यादा अच्छा आप अपने आप को एज अ वर्सेटाइल पर्सनालिटी दिखाएंगे। और यदि आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जा रहे हैं दोस्तों तो प्लीज कुछ आंसर्स एटलीस्ट अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में जरूर बना के जाना, आपके पास एक वेल प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उम्मीद है डेटा एंट्री से रिलेटेड हमने आपको और भी वीडियोस दे रखी है तो उम्मीद है आप उनको भी जरूर देखेंगे। काजल मैं अगर आपको बोलूं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए तो क्या आप दे सकते हैं? यस सर ट्राई कीजिए। यस सर, सर आई एम काजल एंड आई एम वेरी मच सिमिलर टू माय नेम क्योंकि मैं अच्छा कार्य करके लोगों के दिल जीत लेती हूँ और सर मैं हेल्पफुल गर्ल हूँ और सर मैं राजस्थान के श्रीगंगानगर से बिलोंग करती हूँ और सर मेरी ग्रेजुएशन है मैंने MGSU यूनिवर्सिटी से पास आउट करी है। ओके और ऑलरेडी हम आपकी हॉबीज और वीकनेस वगैरह तो पूछ ही चुके हैं, आपकी स्ट्रेंथ भी पूछ चुके हैं, तो उम्मीद है इस सेशन से हमारे उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, प्राउड ऑफ यू, रियली गिव इट अ ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू। सो ईशा, इफ समबडी वुड आस्क यू लाइक योर नेम देन यू विल से ईशा, बट दे कैन आस्क अबाउट द मीनिंग ऑफ योर नेम आल्सो, सो व्हाट डज योर नेम मीन? सर द मीनिंग ऑफ माय नेम इज पावर एनर्जी। पावर एनर्जी, एंड इफ दे विल आस्क यू like how you are similar to your name then what you will state? Yes sir, I am very much similar to my name because I am an enthusiastic girl and I am very opportunistic girl. Okay. Opportunistic. Enthusiastic, opportunistic, positive yes, attitude, these yes, things sir. You can use. Yes sir. I still prefer if you are a powerful energy if the word is, you can even say I am a competitive girl yes, and sir. I love challenges. Yes, that can also be more appropriate. Yes. And then comes the place you belong to. Yes sir. Like you belong to Hanumangarh, so it is famous for Kalibanga civilization. Yes sir. And one more fort is there, what is the name of that? Sir, the Batner Fort. Batner Fort, okay. Then comes your education, so what is your education? Sir, as per my education is concerned, I have passed my senior secondary education from CBSE board and... CBSE, how many marks you scored in that? How many percentage sir, in 12th? 12th? Yes. Sir, in 12th, 67 and in 10th? 10th? 8.2 CGPA. Okay, 8.2 CGPA. And what about your graduation? Sir, I have my bachelor's. Completed my bachelor's. Bachelor degree. Yes, sir. Okay. Now you are preparing for UPSC. Yes, sir. Okay. Do you have any experience of teaching somewhere or doing job somewhere or not? Sir, I took tuitions. Oh, you are taking home tuitions? No, sir. Before marriage, I took. You were taking. And you were having students. Of which class you are having? Sir, 1 to
10th. Means like school class, students you are? Yes, sir, school students. Okay, and what are your hobbies? Sir, I like dancing very much. Dancing. So, other than dancing also, other than... Yes, sir. Traveling to different places and exploring means new culture. Means exploring new culture. Yes, sir. That's great. So, which places you have visited till yet? Yes, sir. I have visited Gujarat. Okay. And in Gujarat, I have visited Surat. And if we talk about Maharashtra, mm-hmm. then I have visited in Thane. Mumbai. Yes, sir. Okay. Mumbai, Thane. Right. And the Gateway of India, I liked very much. Okay. And Marine Drive is a very popular place. Right. Yes, it sir. Can be. And what about your aim of life? To crack UPS. Yes, sir. To become an IAS. Yes, sir. Okay. And comes to your strengths, like strong points in you. Any of your strengths? Yes, sir. Like? Sir, my honesty is my biggest strength. You're an honest person. Okay. Yes, sir. So today in this session, I'll be teaching you what else, what other points we can add in our introduction and make it more dynamic. Okay. Okay? We'll go with these points. Okay. Okay, carry on. See. The first thing, like Isha means what? Yes. So as you have stated, so my name means powerful energy and I'm very much similar to my name. As I'm a competitive girl and loves challenges. Okay.